नमस्कार, G10 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। आज हम श्रीकांत त्यागी जी, जो कि एक यंग और पॉलिटिकल लीडर है, उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? ठीक है, आपका धन्यवाद। आपके चैनल के दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, G10 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अभी हाल ही में त्यागी, सैनी और कश्यप समाज पे कुछ अभद्र टिप्पणियां की हैं, उस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? जिस तरीके से स्वतंत्र देव सिंह द्वारा मुजफ्फरनगर के शुक्रताल में जो बातें कही गई, जिसमें वो स्पष्ट रूप से कहते दिखाई पड़ रहे हैं, और वो आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मंच है, वो कोई साधारण मंच नहीं है, और वो उस मंच से कह रहे हैं कि कश्यप की बेटी को कैसे उठाकर, सैनी की बेटी को कैसे उठाकर और त्यागी की बेटी को कैसे उठाकर रेप कर दिया जाता था, और उक्त घटनाओं के संबंध में जब कोई व्यक्ति थाने पर जाकर तहरीर देता था तो पुलिस उसकी एफआईआर दर्ज नहीं करती थी। 2017 से पहले ऐसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर थी, और हिंदू की बात न करके समाज में क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर त्यागी, सैनी, कश्यप समाज रहता, क्या दलित समाज नहीं रहता वहां पर, क्या वहां पर अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े समाज के लोग नहीं रहते, क्या वैश्य समाज के लोग नहीं रहते, क्या ठाकुर समाज के लोग नहीं रहते? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, स्वतंत्र देव सिंह जल्द से जल्द अभद्र बयान पर माफी मांगे, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के बीजेपी के नेतृत्व और देश में प्रधानमंत्री जी और बीजेपी का नेतृत्व ऐसे घटिया व्यक्ति की सोच वाले व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से सम्मानित मंत्रिमंडल से बाहर करने का काम करे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का एक सम्मानित मंत्रिमंडल में रहकर उसे अपमानित करने का कार्य होगा, और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से भी इनको बर्खास्त किया जाए। योगी आदित्यनाथ जी से मेरा अनुरोध है कि तत्काल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को प्रदर्शित करते हुए स्वतंत्र देव सिंह को कैबिनेट मंत्री कैबिनेट से बाहर करने का काम करें, और देश के नेतृत्व से अनुरोध है कि इनकी बीजेपी सदस्यता निरस्त की जाए, इनको बर्खास्त किया जाए मंत्रिमंडल से भी और बीजेपी पार्टी से भी। अन्यथा अगर ऐसा बीजेपी की सरकार का नेतृत्व करने वाले वो लोग और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि त्यागी भूमियार समाज की संख्या बल इतना प्रबल है उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और खासकर पश्चिम में हम लोग 15 जिलों के अंदर 75 लाख की संख्या में है। आने वाले चंद दिनों में अगर इस मामले पर स्वतंत्र देव सिंह ने सामने आकर खेद प्रकट करके समाज के त्यागी भूमिहार समाज के साथ साथ वो अन्य समाज जिनके लिए उन्होंने इस अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, सैनी और कश्यप समाज के, सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उनको अपनी कैबिनेट से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया, बर्खास्ती नहीं की गई, और बीजेपी से उनकी सदस्यता नहीं खत्म की गई, तो चंद दिनों में हम लोग पूर्व से पश्चिम तक अपने लोगों में चर्चा कर रहे हैं, आने वाले हफ्ते के अंदर इस पे बैठक कर चर्चा हो जाएगी, और एक विशाल महापंचायत का आयोजन कर बीजेपी के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की तैयारी हम लोगों ने कर ली है, और 2024 में पश्चिम के 15 जिलों से लेकर और पूर्वांचल तक या भूमिहार बाहुल्य लोकसभाओं पर बीजेपी का बहिष्कार किया